जय माता दी दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज से पवित्र गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं और ये समय है कई प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने का। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिद्धि प्राप्त करने के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे अपने और अपनों के स्वास्थ्य की, क्योंकि कोरोना नाम की जो महामारी फैली हुई है उससे आप अपने आप को और अपने परिवार को तथा साथ ही अपने पड़ोसियों को भी बचा सकते हो। नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आप इन मंत्रों का या इन स्रोतों का जाप करते हैं, श्रद्धापूर्वक जाप करते हैं, तो आप न केवल इस संक्रमण रूपी महामारी से बच सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही शक्तिशाली तथा बहुत ही कारगर कुछ मंत्र और स्रोत बताने जा रहा हूँ, जिसका कि अगर आप इस नवरात्र के दौरान, वैसे भी आपको मालूम है कि आप फुर्सत में हैं और कहीं बाहर जा नहीं सकते, फुल टाइम आपके पास है, आप इस प्रकार का कोई बहाना भी नहीं ले सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है या कुछ भी, किसी प्रकार का आपके पास कोई बहाना है नहीं, तो हो सकता है कि माँ दुर्गा ने आपको इसीलिए ये टाइम दिया हो कि आप इस समय में आप इन चीज़ों को अच्छे से कर सकें। इसमें सबसे शक्तिशाली या सबसे पहले जो नाम आता है वो दुर्गा कवच का है। दुर्गा कवच आपको दुर्गा सप्तशती की बुक में मिल जाएगा। इसमें टोटल 56 मंत्र हैं। आप इन मंत्रों को नियम पूर्वक, विधि पूर्वक अगर इस नवरात्र में करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार के संक्रमण की जो बीमारी फैल रही है या किसी प्रकार का संक्रमण अगर किसी को है या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है तो उसमें इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इस स्रोत के द्वारा आप अपने पूरे शरीर को तथा साथ ही अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, बस संक्रमण मुक्त कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी इन चीज़ों से बचा सकते हैं। दूसरा है दुर्गा कीलक। ये दुर्गा कीलक जो है वो भी आपको दुर्गा सप्तशती की बुक में मिलेगा। इसको भी अगर नियमित रूप से इन 9 दिनों में करते हैं तो इससे भी उतना ही फायदा मिलता है जितना कि आप दुर्गा कवच से मिलता है। इनके अलावा दुर्गा जी के और भी स्रोत हैं, लेकिन मैं अब कोई दूसरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। आपने सुना होगा राम रक्षा स्रोत का। राम रक्षा स्रोत भी इतना ही प्रभावशाली स्रोत है। अगर आप इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के सामने बैठकर राम रक्षा स्रोत का पाठ करते हैं तो इससे भी अनंत फल की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार की बीमारी, संक्रमण या किसी भी प्रकार के जो दुश्मन हैं आपके, उससे आपको छुटकारा मिलता है। फिर नाम आता है बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का। आप चाहें, अगर ये सब नहीं करना चाहें तो आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इन 9 दिनों में अगर आप विधिपूर्वक हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो भी इससे उतना ही फल की प्राप्ति होती है जितने की दुर्गा कवच से होती है। अगर ये सब आप नहीं करना चाहते तो आप एक पाठ करिए, वो है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। ये भी आपको दुर्गा सप्तशती की बुक में मिल जाएगा और आप इन सभी चीज़ों का जो लाभ है आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ करने से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं हो, वैसे ऐसा कह नहीं सकते आपके आपके पास समय नहीं है, आपके पास भरपूर समय है, फिर भी आप अगर थोड़े आलसी हैं तो आप दुर्गा सप्तशती के जो आखिरी में दे रखा है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, उसका भी पाठ कर सकते हैं और उससे भी सभी फल की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अब सबसे तीव्र या सबसे शक्तिशाली जो उपाय है वो बताता हूँ। वो है महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र का बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा। इस मंत्र के बारे में जगह जगह इसकी बात होती है। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस 9 दिनों में करते हैं तो निश्चित तौर पे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण और किसी भी प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। मार्केट बंद है और आप इन चीज़ों को खरीद नहीं सकते हैं तो आप अपने मोबाइल से भी ये सभी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी मैंने चीज़ें बताई है, चाहे फिर वो दुर्गा कवच हो, कीलक हो, राम रक्षा स्त्रोत हो, बजरंग बाण हो, हनुमान चालीसा हो, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत हो या महामृत्युंजय मंत्र हो, ये सभी चीज़ें आपको अपने मोबाइल पर उपलब्ध मिलेगी। आप बस आपको सर्च करना है, आपके सामने होगी। तो प्लीज़ आप इन 9 दिनों में, जबकि आपके पास टोटली फ्री हैं, आप टोटली फुर्सत में हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर उपयोग कीजिए और अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आसपास के जो वातावरण है उसको शुद्ध बनाइए। साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं कि आप डेली एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। हवन चाहे तो आप 5 आहुति करिए या 11 आहुति करिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतनी आहुति का अगर आप
हवन करेंगे तो वो भी आपके घर के वातावरण के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और जो संक्रमण जैसी कोई चीज़ें हैं उससे भी आप बच सकते हो। कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।